को देखते हुए आज के इस चुहार विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति में आयोजित इस जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य पे हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को आज काफी संक्षेप में रखूंगा। आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चुहार विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों भारतवर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। आज समय समय पर लोग उनके जीवन काल उनके संघर्ष पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। एक शहीद जो समूचे देश का होता है, लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता, क्या एक शहीद पर सवाल किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज की जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना, जिन्होंने हंसते हुए राज के लिए देश के लिए बलिदान दिया है। दूसरा विषय है पहचान का। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहां जुटे हैं, कुर्मी कम्युनिटी, जिनका इस राज के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज्य का निर्माण किया। तो इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया है। जब देश का सवाल हुआ, हमने देश को दिया। रघुनाथ महतो, बोली महतो, चंपू महतो, न जाने कितने लोग हुए जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया। हमने देश को भी दिया। आज जब राज की जरूरत पड़े, हमने निर्मल सुनील शक्ति सूदन के रूप में इस राज को भी दिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि देश ने भी हमसे लिया, राज ने भी हमसे लिया, बदले में हमें दिया क्या है? देश ने भी क्या दिया हमें? देश को हमने शहादत दे दी। आज हमने क्या नहीं दिया? अपने पुरखों की जमीनें दी, जरूरत पड़ा अपनी जान दी, लेकिन हमें क्या मिला? यह सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा होता है। आज इस राज्य की अगर बात करें, जो मानसिकता है यहां के लोगों की और यहां इस राज्य में बैठे जो लोग हमारी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो लोग हमारे विपक्ष की भूमिका में है, उन्हें उड़ीसा के लोग पसंद है, उन्हें बंगाल से, उन्हें बांग्लादेश चाहे लोग इतमाद के रूप में पसंद है, लेकिन जिनका संबंध इस देश में, इस राज में, सदर नागपुर के पठार में धान के सृजन काल से है, उन्हें कहते हैं वहां चाहे लोग। इसलिए आज की लड़ाई हमारी पहचान की लड़ाई है। आज इस देश ने सबसे पहले हमसे छीना क्या? 1950 में हमारे लोगों को अनुसूचित जनजाति के जो सूची पद था वहां से बाहर किया गया। आज यहाँ तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, पढ़ने वाले नौजवान पीढ़ी बैठी है। किसी ने जानने का शायद प्रयास किया होगा कि भाई उनकी शत्रुता हमसे नहीं थी,
उसका एक ही उत्तर है। आप जाके देख सकते हैं, जहां चाहे इंडस्ट्रियल बेल्ट हो या कोयला की खदानें हो, वह जमीनें हमारी है और कोई दूसरा कारण नहीं है। धनबाद बोकारो से रांची रामगढ़ या टाटा जमशेदपुर को ले लीजिए, वो मैक्सिमम जमीनें हमारी है। इसीलिए आज मुसीबत से बाहर करने का सबसे बड़ा परिणाम और सबसे बड़ी साजिश ये भूखंड का हमारा मालिक होना। इसलिए आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा सकते हैं? आज अगर हम अपने हाथ अधिकार के लिए, अपनी पहचान की लड़ाई के लिए, बजा बंद कर देंगे और कुर्मी सेना के बड़े भाई लालटू मातो जी अपने दल बल के साथ, हजारों आदमी के साथ, उनके साथ कर्ण मातो जी उपस्थित हुए हैं। लालटू दा को मंच की ओर से और दीपक दा को मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बाकी लोग रुक जाएंगे, महिला लोग को आने दीजिए, सिर्फ महिला लोग को आने दीजिए, महिला लोग को आने दीजिए। लालटू दा को, कर्ण बाबू को और दीपक बाबू को मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मंच में आकर स्थान ग्रहण कर लेंगे। महिला लोग को आने दीजिए, महिला लोग को आने दीजिए, पुरुष लोग पीछे ही रहेंगे। और वक्ताओं का हमारे जयराम बाबू को बातों को ध्यान पूर्वक सुने। जयराम बाबू, आप सभी लोगों से आग्रह है, कम से कम रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दीजिए। सभी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, आप लोग खुद रास्ता बनाइए, रास्ता बना दीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग रास्ता बनाए, थोड़ा सा पीछे होकर बैठिए दादा, थोड़ा पीछे होकर बैठिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा पीछे होइए। माताओं बहनों को बैठने दीजिए, थोड़ा पीछे होकर बैठिए, पीछे होकर बैठिए। आप चार बार बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी पीछे होकर बैठिए। आप सभी लोग पीछे होकर बैठिए। आप लोग वहां से खड़े हो जाए, लड़का लोग जितने हैं, नौजवान जितने, खड़े हो जाइए। आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइए, महिला लोग को बैठने दीजिए। गणपत मातो समाज से ली धनबाद से आए हुए बड़े भाई से आग्रह है, मंच में आकर स्थान ग्रहण करेंगे। धनबाद से गणपत मातो जी, सभी पुरुष जनों से आग्रह, आप लोग खड़े हो जाइए, महिलाओं को बैठने दीजिए, आप लोग पीछे चलिए। सभी पुरुष जनों से आग्रह है, आप लोग पीछे चल जाएं, महिलाओं को बैठने दीजिए। दादा उठिए उठिए, आप लोग सब उठिए, पीछे चल जाइए, आप लोग महिलाओं को बैठने दीजिए। मंच में बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है, मंच कमजोर है, आप सभी लोगों से आग्रह है, आइए लड़ते जा बैठिए। मंच में अनावश्यक भीड़ ना करें, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग दादा। हेलो, हेलो, आगे जितने बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए।
एक बात और बताना लगाएंगे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे। अब हमारे वक्ता जरा बाबू और यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए, हमको हिंदी में बात करना पड़ रहा है कि मासा हाँ। यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग फैमिली बन जाएंगे, ये गांव हमारा पूरा टाटा जमशेदपुर में डाला गांव, हमारे धनबाद बोकारो उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे, हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में है। तो सबसे पहला उदाहरण एक कुर्मी को बेटा को कुर्बानी में नहीं हिंदी में बात रखना पड़ रहा है समझाने के लिए। कहां है आपकी मातृभाषा, कहां है आपकी मातृभाषा, इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छीनी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को हम कैसे पा सकते हैं। हमारी बात तो पूरा पूरी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग बोलते हैं, हम लोग गुणमानी बोलते हैं, लेकिन क्यों, इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नष्ट करने का प्रयास किया। अब यही सवाल है कि भाई हम क्यों मिले उनको, और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, गौंड है, भीम है, संताल है, मुंडा है, उराव है, लोरा है, न जाने कितने समुदाय के लोग रहते हैं, 6,000-7,000 लोग रहते हैं, तो छोटा जमीन की है, हमारी है, इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो उस समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे हो, यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद बोकारो रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे, तो सुविधा कैसे होगी, किनके पास जमीन है दादा। तो आप देख सकते हैं विशेषकर कोलियरी बेल्ट में औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीने हमारी थी, इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के
हमें जो समय की सूची थी प्रिमिटिव ट्राइब हमें 45 चरण की षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया। आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माता बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची। इसलिए आज एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना आज धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के बीच। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं। इस एकजुटता को आखिरी मुकाम का जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए इसे कायम रखना। इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा ही नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य में हैं। आप बारीकी से मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें मेहनत करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहां सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे ही इतिहास पढ़ते हैं हमारे सामने चैप्टर आते हैं पाषाण का। उसको तीन भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है ताम्र पाषाण में आते हैं, कांस्य युग में आते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, महाजनपद काल होते हुए, गुप्त वंश होते हुए, हम लोग मुगल को पार करते हुए अंग्रेजों के काल तक आते हैं। आते हैं ना, ये तो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, पढ़ा हमने। लेकिन बताइए कहीं राण काल का जिक्र है, कहीं राण सिविलाइजेशन का जिक्र है? किसी इतिहास के पन्ने में एक भी व्यक्ति हमें खड़ा होकर बता दी। तो यदि राण सिविलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं है तो क्या हमारे दादा पर दादा जो हमको बताते थे हमें राण लोग लागे, क्या ये गलत है इसका मतलब? हमारे पुरखे बताते थे जो अनपढ़ थे जिनको स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं, वे लोग हमको बताते थे कि हमारा की राण लोग लागे। तो भाई राण सिविलाइजेशन होना चाहिए, राण सभ्यता होना चाहिए, राण काल होना चाहिए। जैसे पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, बुद्ध काल है, जैन काल है, मुगल काल है, महाजनपद काल है, राण काल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहां है किसी इतिहास के पन्ने में राण सिविलाइजेशन का जिक्र है? यानी सबसे पहले चालान लोगों ने क्या किया, हमारी सभ्यता को, हमारी सभ्यता को इतिहास में कहीं स्थान नहीं। अब ये मत पूछिए कि इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल हुई है और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में बिना पूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर दो उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे वे इतने बड़े इतिहासकार थे, उनसे कैसे भूल होगी? हो सके हम ही लोग गलत है, राज सिविलाइजेशन नहीं था। तो मैं बताता हूं इतिहासकारों से कैसे भूल। एक राजा का नाम आता है, कहा जाता है कि उस राजा ने, मैं नाम इसलिए ले लूंगा क्योंकि लोग जाति धर्म से जोड़ देंगे, उसके बारे में कहा जाता है कि उस राजा ने भारत में जब आक्रमण किया था तो तोप के गोले से आक्रमण किया था, तोप के साथ। क्या बोल रहा, पानी बोतल? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इतिहासकार भूल कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार धोखा कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार बेईमानी कैसे नहीं कर सकते हैं? उन्होंने क्या बताया कि 1500 के पीरियड में भारत में एक राजा आया विदेशी, उसने गोला के साथ जो तोप होता है उसके साथ भारत में आक्रमण किया। फिर वही इतिहासकार बताता है 30 साल बाद उसका नाती ने तलवार से उगला। क्या समझे पढ़े लिखे लोग? दुनिया में पहले लालटेन आया है या एलईडी? पहले लालटेन आया है, सिंपल सा बात है, पहले तलवार आया होगा फिर तोप आया होगा। इतिहास क्या क्या कह रहा है? दादाजी को तोप से लड़ा रहा है और नाती को तलवार से लड़ा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें
और सबसे बड़ा उदाहरण जानकारी और शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण इधर पर आज पहुंचते हैं हम आपके बीच खड़ा हैं। यहां इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सभी दिग्गज बैठे हैं। हम मात्र एक उनसे आयु में आधा है लेकिन अपने शिक्षा के दम पर सच्चे हैं। इतिहास की बात समझते होंगे कि किस प्रकार इतिहास ने छल कपट किया है। अब बात करते हैं भूगोल की। इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल कहता है ना, ज्योग्राफी भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटा नागपुर और झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे अजीत प्रसाद महतो जी भी आए हैं तो इसीलिए मैं उदाहरण सामने रखता हूं भूगोल का कि हमारी जो बात हमारी शक्ति दुगनी रहती कि नहीं रहती, उन्हें आगे परिचय थोड़ी देना पड़ता कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए, हम झारखंड से आए। एक ही परिचय होता हम ग्रेटर झारखंड के। आपके भूगोल को डेवलप किया गया, इतिहास को डेवलप किया गया, भूगोल को डेवलप किया गया। पॉलिटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, वो आप लोग समझते। इकोनॉमी की बात कीजिए, ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स टाटा जमशेदपुर में आप देख पा रहे हैं, चले जाइए 50 साल 60 साल 70 साल पीछे, ये जमीनें किनकी है? टाटा की है। अरे टाटा फोर इंडिया नहीं है, जो आज कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है, उनसे कहिए आपकी अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। इकोनॉमिक डैमेज, हिस्टोरिकल डैमेज, ज्योग्राफिकल डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, यानी पैसा सभी आपको मार दिया। आपके लोग कहां हैं? उषा मारती रहे, टाटा रहे, किसको रहे, स्टील रहे, बल्लभ रहे, आपके लोग वर्कर रेट में, आपके लोग वर्कर रेट में है और वे लोग सीएमटी जीएम के रेट में है।
इकोनॉमिक टैलेंट। इकोनॉमिक टैलेंट समझ में आया ना, ये इकोनॉमिक टैलेंट है। आप बात करते हैं कल्चरल डैमेज, कल्चरल यानी संस्कृति। हमें बताने की क्या आवश्यकता है, हम अपने घरों में जाके देख लीजिए, हमारे पुरखे करते थे 12 मास 13 पारा, अभी 26 हो रहा है। कल्चरल डैमेज, कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति यानी खान पान रहन सहन, और यही कल्चर आपका महत्वपूर्ण होगा बंद करने के लिए। आपका कल्चरल आइडेंटिटी आपको मजबूती के साथ, आपके नए मेगाचारी आपको मजबूती के साथ आपकी सूची की लड़ाई में, आपकी पहचान की लड़ाई में आपका बचाव करेगा। सांस्कृतिक डैमेज हुआ है ना, मां बौसी लोग अच्छा से समझेंगे। हमारे पुरखे कहते थे ना 12 मास से 13 टपोर, कहते थे ना कि हमारा पर्व वही है जिसमें मोड़ी जोड़ी और कुड़ी चलता हो। मोड़ी मोड़ी बने जोड़ी जोड़ी बने खीर ना, बच्चा है संभालिएगा, और मोड़ी बने पिठा पकवान, जाके देखिए अभी क्या क्या लेके आते हैं। कल्चरल, आप बताइए एक इंसान को मारने के लिए कहां कहां से आपको डैमेज किया गया, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद भी यदि हम जिंदा हैं तो बस वही कहेंगे राज सभ्यता राज माटी के राज लोग हैं, इसीलिए जिंदा। इतना डैमेज होने के बाद भी अरे दूसरा आदमी होता इस दुनिया से उसका नाता कट जाता। इतना डैमेज होने के बाद भी यदि आज हम लोग जिंदा है तो भैया वही जो इतिहास में नहीं लिखा है, हम राज लोग हैं इसीलिए जिंदा। यदि आपको यह भी पता चल रहा है कि कहीं बाबू आपके पास माइक है, कुछ भी बोल देते हैं तो देते हैं वो बढ़िया फल, क्योंकि आप लोग आधुनिक मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, तो आप लोग बाहुबली का फिल्म सभी लेते होंगे मोटा मोटी। बाहुबली लगे ना, उसमें देखिएगा एक पिंडारी शब्द का जिक्र होता है कि पिंडारियों ने हमला कर दिया, रिवाइज पिंडारी केवल कल्पना में थे, पिंडारी वास्तव में थे। आज से 200 साल पहले जेपीएससी जेएसएससी का सिलेबस खोलिएगा, उसमें अंग्रेजों के नाम को पढ़िएगा, उसका आपको पिंडारी शब्द का जिक्र है। आज जाके देखिए पिंडारी एक भी नहीं। इसलिए यदि आप आज कभी हम लोग नहीं समझते हैं, अपने 57 में अधिकार की लड़ाई को नहीं जानते हैं, तो 20-25 साल में हमारे 10% लोग रिफ्यूज हो जाएंगे। आने वाले 20-25 साल धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे नाम का भी केवल इतिहास रहेगा, वर्तमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज हमारे हमसे आयु में काफी भिन्न वक्तागण आए हैं, वे अपने अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, उनको सुनिएगा और समझने के साथ साथ उसे अमल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज तो फिर एक विदेशी पूरा काटा को कब्जा कर लिया है, कोई और परदेशी बाकी जो हमारा बचा है उसे भी कब्जा कर बाकी ठीक है। हमारे भी बहुत सारे मंत्र हैं, समय की पाबंदी है, निर्मलता की माटी में निर्मलता के कथा के साथ समाप्त करेंगे कि सवाल का फिर उठूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना, कि सवाल का फिर उठूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरे फोन का न जाए, मेरे फोन का हिसाब रखना, मेरे फोन का छोटे हैं उनको आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर जयराम बाबू, इनके लिए एक बार जोरदार तरीके से हम लोग ताली बजाएंगे।
जोरदार तरीके से हम सभी लोग नारा